गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास बेटा, हम गार्बेज इन गार्बेज आउट का न्यू टॉपिक रीयूज एंड रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमें पता है पेपर क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, वो आसानी से डीकम्पोज हो जाता है। बट उसका एक बेटर वे क्या है डिस्पोज ऑफ करने का, कि जो पेपर हमारे रीयूज़ में नहीं है, हम उसको क्या करें, रीयूज़ करने का ट्राई करें, उसको रीसाइकल करें। ठीक है, नया पेपर, न्यू पेपर यूज़ करने से अच्छा है कि जो पेपर हम यूज़ कर चुके हैं उसे हम एक डिफरेंट वे में दोबारा रीयूज़ करें। सो पेपर जो है वो रीयूज़ किया जा सकता है बाय मेकिंग कैरी बैग्स, आपने उसका कैरी बैग बना दिया। कवरिंग बुक्स एंड नोटबुक्स, आपने जो बुक्स हैं आपकी नोटबुक्स हैं उनको कवर करने में। प्रिपेयर रीसाइकल्ड पेपर, रीसाइकल्ड पेपर को प्रिपेयर करने में। प्रिपेयरिंग पेपर मैक आइटम्स, पेपर मैक आइटम्स मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, आप पेपर से बने हुए आइटम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैगजीन कवर कैन बी यूज फॉर मेकिंग कार्ड्स एंड पोस्टर्स, जो मैगजीन है उनके कवर को आप यूज़ कर सकते हैं कार्ड और पोस्टर बनाने के लिए। तो रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर करने से बेटा क्या फ़ायदा है, देखिए रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर जो है विल चेक द फैलिंग ऑफ ट्रीज़। फैलिंग ऑफ ट्रीज़ का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जो पेड़ों की कटाई की जा रही है। ठीक है, पेड़ों की कटाई की जा रही है किसके लिए, ताकि न्यू पेपर जो है उसको बनाया जा सके। सो अगर आप पेपर को रीसाइकल करोगे तो जो कटाई हो रही है पेड़ों की, फैलिंग ऑफ ट्रीज़ हो रही हैं, वो तो कम होंगी, प्लस लेस गार्बेज भी प्रोड्यूस होगा। आपको ये जान के बहुत मतलब सरप्राइज़ होगा कि जो हम पेपर हैं बेटा उसको खुद भी रीसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ क्रिएटिविटीज़ की ज़रूरत है। तो यू कैन यूज़ दिस रीसाइकल्ड हैंडमेड पेपर फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, एनवलप बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, बुक कवर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी 5 है। ठीक है, आपका होमवर्क बेटा ये है कि आपने ये एक्टिविटी 5 जो है ना, इसको देख के पढ़ना है एक बार, इसको समझना है। आप इसके लिए नेट भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको फिर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है कि एक्टिविटी 5 में क्या बताया गया है। ओके।